जय भवानी नवयुवक मंडल रामना राजपूत नगर सभा के तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ रेलवे मैदान में सोमवार को हुआ। नगर अध्यक्ष देवी सिंह राठौड़, महामंत्री हरि सिंह राठौड़ और अन्य अतिथियों ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर टॉस करवाते हुए प्रतियोगिता का आगाज किया। पहले दिन कई टीमों के मध्य मुकाबले खेले गए। जय भवानी नवयुवक मंडल रावणा राजपूत नगर सभा के तत्वावधान में सोमवार को ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ रेलवे मैदान में हुआ। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष देवी सिंह राठौड़, महामंत्री हरि सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष नारायण सिंह गोगादेव, उपाध्यक्ष चुत्तर सिंह दोहट, अमित सिंह परियार, बाबू सिंह चौहान, खीम सिंह चौहान, जगदीश सिंह राठौड़, नरपत सिंह दैया, नगर युवा अध्यक्ष रमेश सिंह दोहट बतौर अतिथि शामिल हुए। नगर युवा खेल मंत्री जितेंद्र सिंह परमार के मुताबिक उद्घाटन में अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय लेकर नगर अध्यक्ष देवी सिंह राठौड़ द्वारा क्रिकेट का बल्ला घुमाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सोमवार को पहला मैच विष्णु कॉलोनी क्लब व सांकला क्लब शास्त्री नगर के बीच खेला गया, जिसमें विष्णु कॉलोनी पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 59 रन बनाए, जवाब में सांकला क्लब शास्त्री नगर ने 7 ओवर में ही 60 रन बनाकर विजय हासिल की। दूसरा मैच दरबार क्लब रानीगांव और बाईसा क्लब के बीच खेला गया, जिसमें बाईसा क्लब पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 80 रन बनाकर ऑल आउट हो गया, जवाब में दरबार क्लब रानीगांव 8 ओवर में 7 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। तीसरा मैच इंदिरा नगर व आरडीएक्स क्लब के बीच खेला गया, जिसमें आरडीएक्स क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 88 रन बनाए। प्रतियोगिता में एम्पायर की भूमिका छोटू सिंह चुली, विजय सिंह भाटका, सुमेर सिंह मोसेरी व दुर्जन सिंह खाची और स्कोरर की भूमिका गोपाल सिंह गोहिल व मनोज भार्गव ने निभाई। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर अनवर सिंह परमार, सवाई सिंह राठौड़, हाथी सिंह परमार, हरी सिंह गोगादी, उगम सिंह परमार, खुमान सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह गोयल, जसवंत सिंह राठौड़, लाल सिंह राठौड़, चंद्रपाल सिंह राठौड़, मदन सिंह चौहान समेत सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे।